दोस्तों अपने चैनल के लिए लोगो बनाना है तो वो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हो क्यों? आपको एक प्रोफेशनल लोगो की तलाश है तो आपका तलाश हुआ खत्म। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन से कैसे प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्मार्टफोन से। आज के इस वीडियो में आपको दो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपने एकदम ही प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इस तरीके से प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। दोस्तों लोगो बोले तो ब्रांड, जिससे आपको दुनिया पहचाने। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। कैसे बनाना है मैं सिखा दूंगा। दोस्तों चैनल पर नया हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, प्रेस कर लो बेल आइकन को फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन शर्मा और आपको दिल से स्वागत करता हूँ अपने मिस्टर कंप्यूटर ज्ञान चैनल में। तो दोस्तों आप आराम से बैठिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट, कहीं जाना मत। पिक्स आर्ट फोटो एडिटर, पिक्स वीडियो एंड कॉलर्स मेकर। दोस्तों ये आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लीजिए और मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा और यहाँ पर शुरू में एक एड भी आएगा, तो आप सिंपली से इस एड को कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको सिंपली से न्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली से एक बैकग्राउंड ले लेना है, कलर बैकग्राउंड जो व्हाइट में ले लेता हूँ। व्हाइट लेने के बाद यहाँ से फिर से एक एड है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा और उसके बाद आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है क्रॉप में। जाने के बाद आपको स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आपको सिंपली से टिक कर देना है। जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद आपको सिंपली से जाना है टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी अपने चैनल का फर्स्ट लेटर है जो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरा चैनल का नाम है मिस्टर कंप्यूटर ज्ञान, तो मैं सिंपली से यहाँ से ले लेता हूँ सी से कंप्यूटर और उसके बाद मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। जब आप टिक करेंगे तो ये जो यहाँ पर आ जाएगा और आप यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली से कलर पर जाइए। कलर पर जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये रेड ले लेता हूँ। और उसके बाद आपको अगर फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा लगे वैसा आप रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्ट्रोक भी मिल जाता है जो आप इजीली इसको स्ट्रोक भी आप लगा सकते हैं कोई भी कलर में। दोस्तों ये सब करने के बाद आपको सिंपली से जाना है ओपेसिटी में। अब अगर आप ओपेसिटी को कम बेस करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और ब्लेंड का ऑप्शन है, ब्लेंड पर भी आप ब्लेंड को आप नॉर्मली रहने देना। और उसके बाद आपको अगर शैडो लगाना है तो आप सिंपली शैडो पर क्लिक करना है और अपने हिसाब से कोई भी एक शैडो रख लेना है, मिला लेना है और रख लेना है। उसके बाद आपको मिलता है बेंड का, जो बेंड आप नहीं रखेंगे तो भी चलेगा इस तरीके से। और ये सब करने के बाद आपको सिंपली से क्या करना है, आपको सिंपली से करना ये है कि आपको इसको कोई साइड में आपको रख देना है, कोई साइड में एक जगह आपको इसको फिक्स कर देना है छोटे बड़े करके। और दोस्तों ये सब करने के बाद आपको सिंपली से फिर से आपको एक टेक्स्ट ले लेना है। टेक्स्ट लेने के बाद आपको जो सेकेंड लेटर आता है वो आपको सिंपली से क्लिक कर देना। तो मेरा जो कंप्यूटर ज्ञान तो आता है जी, तो मैं जी पर क्लिक करके यहाँ से टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद आपको फिर से वैसा ही करना है, जो इसको बड़े छोटे करके आप मिला सकते हैं इस तरीके से। और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ब्लू ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको भी शैडो लगाना है तो मैं यहाँ पर शैडो लगा देता हूँ। दोस्तों ये सब करने के बाद आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पर टिक का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली से फिर से जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ड्रो का ऑप्शन, तो ड्रो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से ड्रो पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली से सेव के बटन आपको दिख रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड का कलर है उसी बैकग्राउंड में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ब्लैक है तो आपको यहाँ से सिंपली से व्हाइट कर लेना है। व्हाइट करने के बाद आपको टिक कर देना है और उसके बाद आपको सेव कर जाना है। सेव कर जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक
स्टाइल से आप कट कर सकते हैं अपने उस वर्ड को। तो दोस्तों कट करने के लिए मैं सिंपली से यही एक ले लेता हूँ और उसको आपको रखना है फिल पर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फिल पर क्लिक करके आपको फिल पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ओके कर देना है। जब आप ओके कर देंगे तो आप यहाँ से जिस तरह से आप कट करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से इसको कट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके। जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है इसको छोटा बड़ा कोई साइड में करना, घुमाना फिराना, ये सब आपको मिल जाता है। दोस्तों ये सब करने के बाद आपको सिंपली से देखना है कि ये ठीक है कि नहीं है, तो आप ये सब देख लेना और उसके बाद आपको सिंपली से टिक पर क्लिक कर देना है। जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद आपको सर्कल बनाना है। वो आप सर्कल बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली से ड्रॉ पर जाना है। ड्रॉ पर जाने के बाद आपको सिंपली से फिर से यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ले लेना है सर्कल और उसके बाद आपको स्ट्रोक में ही रहने देना है और सिंपली से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ से ऐसे आनकर और ऐसे इसको मिला सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको सिंपली से क्या करना है इसको ओके कर देना है। ये सब मिलाने के बाद आपको सिंपली से क्या करना है इसको सेव कर लेना है। यहाँ से सेव कर लेना है। यहाँ पर एड चालू हो गया। आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप करना है सेव पिक्चर ऑन योर डिवाइस पर आपको क्लिक करना है, तो ये आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। दोस्तों ये सब करने के बाद दोस्तों आप इस तरीके से अपना कोई भी एक लोगो बना सकते हैं पिक्स आर्ट। दोस्तों अगर आपको और भी एडवांस आपको लोगो बनाना है तो आप इस एप्लीकेशन के मदद से और भी एडवांस बना सकते हैं। इस सभी टूल्स को यूज करके आप इंस्टॉल कर लीजिए और इस टूल्स को आप जरूर यूज करिए तो आपका जो प्रोफेशनल लोगो है जो बन जाएगा। खत्म नहीं हुआ, अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये एप्लीकेशन पिक्सल लैब टेक्स्ट ऑन पिक्चर। दोस्तों ये एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप अपने लोगों को बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और टेक्सचर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खास है, मैं पर्सनली यूज करता हूँ, इसको बहुत अच्छा लगता है मुझको यूज करने में। तो दोस्तों आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसको आप कैसे यूज करेंगे और कैसे अपना लोगो है जो क्रिएट कर पाओगे। और दोस्तों एक बात और कि आप इसमें थंबनेल भी बना सकते हैं, वो भी Attractive. दोस्तों इसका जो आपको करना क्या है, बस आपको क्या करना है कि पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली से एक कलर लेना है, कलर ले लीजिए, या फिर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। तो मैं सिंपली से यहाँ पर आपको कलर लेके बता देता हूँ। मैं यहाँ से एक व्हाइट कलर लिया और उसके बाद आपको सिंपली से ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो टेक्स्ट पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक कीबोर्ड मिल जाएगा। तो आप उस पर अपना चैनल का जो लोगो है आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरा चैनल है मिस्टर कंप्यूटर ज्ञान, तो मैं सिंपली से यहाँ पर क्या करता हूँ, शुरू का लेटर है सी और सेकंड का लेटर है जी, कंप्यूटर ज्ञान। मैं सिंपली से इसको डाउन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जब आप ओके कर देंगे तो इसका साइज भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करने के आप यहाँ से जितने भी साइज आप रखना चाहते हैं उतने आप रख सकते हैं और सिंपली से इसको ओके कर देना है। टिक पर आपको साइन, टिक का साइन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों इसका सेंटराइज करना है, दोस्तों इसको सेंटर में रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। रिलेटिव पोजिशन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको सिंपली से क्लिक कर देना जब आपका सेंटर हो जाए तो। और उसके बाद अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप सिंपली से कलर पर क्लिक करेंगे। कलर पर क्लिक करने के बाद आप कौन सी कलर आप रखना चाहते हैं तो वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ब्लू और उसके बाद मैं सिंपली से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जिसका फॉन्ट है, जो फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको सिंपली से फॉन्ट पर क्लिक करना है। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली से इस फॉन्ट को यहाँ से ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये जो थोड़ा बहुत ही अट्रैक्टिव जैसे मुझको दिख रहा है का जो लोगो है। और दोस्तों ये सब करने के बाद आप क्या करना है, सिंपली से आपको अगर इसका जो टेक्सचर आपको चेंज करना है तो आपको टेक्सचर पर आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको सिंपली से अपने गैलरी से कोई एक फोटो रख लेना है, पिक ले लेना है जो आप अपने टेक्स पर इंक्लूड करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं सिंपली यहाँ से इसको इस पर क्लिक करके अपना एक इमेज ले लेता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ और उसके बाद सिंपली से इसको ओके कर देता हूँ। जब आप ओके करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो पूरी तरीके से सेट हो चुका है इस पर। और दोस्तों इसका जो लाइट है वो आप भी इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसका जो रेशियो है वो आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों ये सब करने के बाद आपको सिंपली से टिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, किसी बैकग्राउंड पर आप रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको सिंपली से फिर से यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फोन पर आपको क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट
कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ और उसके बाद सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप इसको मिला लेना अपने हिसाब से इस तरीके से तरीके से, और आपको सिंपली से लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद इसको नीचे कर देना है और ओके कर देना है। और दोस्तों इसका जो सर्कल है, सर्कल बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली से प्लस पर क्लिक करना है और सिर्फ पर क्लिक करना है। सिर्फ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सर्कल ले लेना है। सर्कल लेने के बाद इसका ओपेसिटी है जो पूरा जीरो कर देना है। जीरो करने के बाद इसका जो स्ट्रोक वेट है उसको आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा कर अपने हिसाब से। और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर मैं व्हाइट ले लेता हूँ, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और सिंपली से आप ओके कर सकते हैं और इसको बड़ा करके मिला सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये सब आप मिला लेना और मैं इसको दोस्तों ये सब करने के बाद आपका जो लोगो है वो रेडी हो चुका हो गया है। और इसमें आप फिर से कोई टेक्स्ट इंक्लूड करना चाहते हैं, टैग इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको सिंपली से ए पर आपको क्लिक करना है और टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ये टेक्स्ट आ चुका है और यहाँ पर आपको शीशे हो गया कंप्यूटर, इसको डाउन कर देना है, ओके कर देना है और यहाँ पर सेट कर देना है। इसका कलर देना है तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेड। और इसका फोन चेंज करना है तो आपको सिंपली से फोन पर जाना है। फोन पर जाने के बाद आपको कोई भी एक फोन सेलेक्ट करके रख देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेन फोन पर आपको क्लिक करके मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर रख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको एक जगह सेट कर देता हूँ। ये सब करने के बाद आपको सिंपली से फिर से इसको कॉपी करना है टेक्स्ट को और यहाँ पर आपको नीचे नीचे में आपको ज्ञान लिख देना है, जिसे हो गया ज्ञान और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सिंपली से क्या करना है, इसको एक साइड में कर देना है और इसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइज भी बढ़ा घटा सकते हैं और सिंपली से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और सिंपली से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, बस ये सब करने के बाद आपका जो कंप्लीट हो जाए तो आपको सिंपली से सेव पर, यहाँ पर सेव का बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज, तो आपको सिंपली से इमेज पर क्लिक करना है। दोस्तों ये करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट भी मिल जाता है, आप जेपीजी और पीएनजी का जो आपको मिल जाता है। तो ये तो बैकग्राउंड मैंने रख दिया तो ये होगा और पीएनजी में तो नहीं होगा तो मैं सिंपली से इसको जेपीजी में रख लेता हूँ। और इसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अल्ट्रा रख लेता हूँ और सिंपली से सेव टू गैलरी में इसको क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ये सब करने के बाद आपको सिंपली से दोस्तों इसमें भी आप बहुत ही आसानी से अपने लोगो बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही प्रोफेशनल। तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर यूज करना और इसका जो फीचर सब है आप इसको भी जरूर यूज करना क्योंकि इसका जो फीचर है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही काम का है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है बॉस। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा लगा और जिसमें आप अपने एकदम ही प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट में जरूर बताना कौन सी एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपका दोस्त है जिसको लोगो बनाना है अपने चैनल के लिए तो उसको पता नहीं है कि भाई कौन सी वीडियो देखो और कौन सी एप्लीकेशन यूज करूं जिससे मेरा जो प्रोफेशनल लोगो बन जाए, तो आप क्या कीजिए इस वीडियो को उसमें शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सके कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। और दोस्तों ये भी कह देना कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं लाता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।